सरहदी बाड़मेर में किशोरी ने अपने ही पिता पर संगीन आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। किशोरी के मुताबिक बरसों पहले उसकी मां को जलाकर मार डाला गया था, अब उसके पिता और ताऊ उसे बेचने की फिराक में है। किशोरी के इस गंभीर आरोप को लेकर अब बाड़मेर पुलिस जांच में जुटी है। सरहदी बाड़मेर में किशोरी ने अपने ही पिता पर संगीन आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। किशोरी के मुताबिक बरसों पहले उसकी मां को जलाकर मार डाला गया था, अब उसके पिता और ताऊ उसे बेचने की फिराक में हैं। किशोरी के इन गंभीर आरोपों को लेकर अब बाड़मेर पुलिस जांच में जुटी है। शुक्रवार को सरहदी बाड़मेर के पुलिस कप्तान से मिलने के लिए बायतू के माइलों की ढाणी निवासी किशोरी पहुंची। उसने यहां ज्ञापन सौंपकर अपने पिता गोमाराम, ताऊ खेमाराम और दादी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के मुताबिक बरसों पहले उसकी मां को इन्हीं लोगों ने जलाकर मार डाला था, अब यही लोग इसके बालिग होते ही जबरन किसी को बेचने की फिराक में थे, जिसकी जानकारी मिलने पर वह घर से भागकर अपने मामा के घर छीतर का पार आ गई है। पीड़िता के मुताबिक अब तक उसके साथ कई बार मारपीट भी की गई है, अब उसे डर है कि उसके घर वालों की नीयत उसको लेकर सही नहीं है। पूरे मामले के सामने आते ही बाड़मेर पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह का कहना है कि पीड़िता ने ज्ञापन देकर अपनी बात रखी है। पीड़िता ने अपने परिवार में से बेचने के संगीन आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच करवाई जा रही है। वो बच्चे अपने मामा के साथ पेश हुई थी, तो उस परिवार को हमने जांच के लिए अग्रिम जो कार्रवाई के लिए थाना अधिकारी गिरफ्तार किया। क्या आरोप लगाए थे उसमें, क्या लगा ज्ञापन में? परिवार को उसने दिया कि अपने मामा के साथ पेश हुई और अपने पिता और अपने ताऊ के बारे में उसने परिवार में कोई तथ्य का उल्लेख किया है, उनकी हम जांच कराए और जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई करें। एक तरफ जहां पीड़िता के परिवार को गढ़ा थाने में दर्ज करने के लिए भेज दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बहरहाल 18 वर्षीय किशोरी के आरोपों से सरहदी बाड़मेर में मच गई है सनसनी।